आप सभी को ये मैसेज इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आप ये ना समझें कि ये बीमारी मड्राइल में या करौली में नहीं आ सकती। हम जो गलती कई देश कर चुके हैं, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया था, ऐसी गलती ना करें। जब ये बीमारी चाइना में शुरू हुई थी, उसके बाद यूरोपियन कंट्री में, इटाली, स्पेन और अब तो लगभग सभी देशों में माइग्रेट हो चुकी है। जिस देश की आर्थिक और चिकित्सक प्रणाली हमसे सैकड़ों गुना अच्छी है, वो इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या हम उन देशों से कुछ अच्छा कर पाएंगे? मित्रों, इसको गंभीरता से लें। एक आदर्श भारतीय की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि इसकी जो इन्फेक्शन रेट है, यानी संक्रमण रेट है एक मरीज से दूसरे मरीज फैलने की, वो बहुत ही ज्यादा है। अब तक की बीमारियों में सबसे ज्यादा मान के चल रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विनम्र अपील की है कि आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, भगदड़ ना करें। यदि आप करौली के हैं और करौली में रह रहे हैं तो करौली में ही रहें, यदि आप करौली के में हैं और महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में ही रहें, या फिर अन्य देशों में हैं तो देशों में ही रहें। यानी कुछ कदम को स्थगित कर दीजिए। हमारे लगभग 330 यानी 330 के आसपास पॉजिटिव केस आ गए। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास एक महीने पहले सिर्फ 3 केस थे, फिर 30 हुए, फिर 300 हुए, जल्दी ही 3000 हो जाएंगे, 3000 से 3 लाख हो जाएंगे, और 3 लाख से आगे फिर 3 करोड़ भी हो सकते हैं। क्या हम तैयार हैं? सिर्फ कल्पना कीजिए, सिर्फ कल्पना करके देख लिए, एक बार देखो, कल्पना करो कि यदि ऐसी विकराल स्थिति हो जाती है तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। जैसे अभी इटाली में जो मृत्यु हुई है उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है, या दफनाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा, सेना लाशों को लेके इधर उधर दफनाने के लिए घूम रही है। अतः मेरा आपसे विनम्र अपील है कि हमारा देश और हमारा राज्य और हमारा जिला विशेषकर इस स्थिति में नहीं है कि यदि इस महामारी को हम शुरुआती फेज में कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाद में बहुत मुश्किल होगा। इससे बचाव ही इसका उपचार है। विशेषकर
किसी कारण से आपको बाहर जाना भी पड़ जाए घर से छोड़ के, तो हैंड वॉशिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर आधे घंटे में हैंड वॉशिंग कीजिए, आपको यकीन मानो पता भी नहीं चलेगा बीमारी कब आई। जैसे कि आप बस में बैठे, आपने बस में बैठोगे तो हैंडल का सपोर्ट लोगे, हो सकता है कि आपसे जो पहले जो यात्री बस में बैठा है उसके हाथ में कोई वायरस हो, जैसे ही आपने हैंडल पकड़ा तो आपके हाथ में वायरस आ सकता है। इसलिए हैंड वॉशिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आपको लगता है कि थोड़ा फीवर, सॉर थ्रोट यानी गले में खराबी या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, तो आप तुरंत अपनी के नजदीक के चिकित्सा संस्थान पर जाइए और घर परिवार में भी थोड़ा सा आइसोलेशन यानी जिसको अपन क्वारंटाइन बोल रहे हैं, 10-15 दिन तक आपको सेपरेट रहना है। जैसे कि कुछ विदेशों से लोग आ रहे हैं, हमारी उन पर नजर है और हम उनको घर में होम आइसोलेशन करके क्वारंटाइन रखे हुए हैं, परंतु अपने करौली में कुछ श्रमिक महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से लौट रहे हैं, वो हमारे लिए गंभीर विषय है, क्योंकि ये जो भगदड़ मच रही है, ट्रेनों से अपन सफर कर रहे हैं, बसों से सफर कर रहे हैं, इससे इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। अतः आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, और यदि आप कहीं से ट्रेवल करके आ भी गए हैं तो अपने घर में अपने एक आदर्श नागरिकता का परिचय दीजिए और अपने आप को 14 दिन के लिए घर में सेपरेट एंट्री हो, जिसका सेपरेट लैटवाथ हो, सेपरेट कमरा हो, इस तरीका से आप रहिए, तथा हैंड वॉशिंग पर और अपने खाने पीने के सामान पर, कपड़ों का, इन सब से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपनी तहसील को, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को बचाइए। इस देश ने आपके लिए क्या नहीं किया, क्या आप अपने देश के लिए कुछ दिन घर पर नहीं रह सकते? इस मातृभूमि के लिए क्या आप कुछ दिन ठहर नहीं सकते? क्या अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आज अवकाश के दिन की कारण भी हम आपके लिए यहां बैठे हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि हमारा कोई भी मरीज हमारे शहर में या कस्बे में इस बीमारी को फैला ना पाए, हम उन पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सभी विभागों से हमें सपोर्ट मिल रहा है, अतः मेरा करबद्ध निवेदन है सभी मंडल वासियों से, जिले वासियों से, कि इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।